नुकीले नाखूनों वाला एक अजीब दानव अपने पंख फैलाकर रघु के जंगल में उतरता है। सुना है तेरे जंगल में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। रघु, मुझे 3 दिन के अंदर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 40 बच्चों की बलि चढ़ानी है। 3 दिन से पहले पहले अगर तूने उन बच्चों को मेरे हवाले ना किया तो मैं जबरदस्ती तुझसे उन्हें छीन कर ले जाऊंगा और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। इतना कहकर दानव वहाँ से उड़कर वापस चला गया। लेकिन रघु, जिसे अपनी प्रजा अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारी थी, चिंता में पड़ गया और बड़े फिक्र से जानवरों के पास गया। साथियों, एक खतरनाक दानव हमारे जंगल में आकर बड़ी धमकी देकर गया है। कह रहा था अगर हमने 40 बच्चे उसे बलि चढ़ाने के लिए नहीं दिए तो वे उन्हें जबरदस्ती छीन कर ले जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे महाराज? क्या वो हमारे बच्चों को ले जाएगा? कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। हम अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर उसे नहीं सौंपेंगे। लेकिन वो बहुत ताकतवर है, उससे लड़कर मैं जानवरों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए मुझे कुछ और सोचना होगा। रघु अपनी इस परेशानी का हल तलाश कर रहा था कि तभी एक जिन ने उनकी सारी परेशानी सुन ली और वो जिन तेजी से उड़ता हुआ रंगीन बागों की जादुई दुनिया में जा पहुंचा। तुम सब जिसकी तलाश में थे, आज वो मुझे मिल गया। अपने प्राणों से भी ज्यादा वो अपनी प्रजा के बारे में सोचता है, जो पंख महीनों से उस द्वार के अंदर बंद है, उन पंखों का हकदार वही है। दरअसल आज से 2 महीने पहले इस जादुई दुनिया का राजा एक विशाल पंखों वाला बाघ हुआ करता था। विशाल बाघ का एक छोटा भाई भी था जो हमेशा से उन पंखों को हासिल करके पूरी दुनिया पर अपना राज करना चाहता था। इन जादुई पंखों से वह विशाल बाघ बाहरी दुनिया के गरीब जानवरों की बड़ी मदद किया करता था। लेकिन अब राजा विशाल बाघ और उसकी सेना के रंगीन बाघ बूढ़े हो चुके थे, इसलिए विशाल बाघ ने अपने उन जादुई पंखों को बड़े गहरे समुद्र के बीच एक सुरक्षित तट पर रख दिए थे और एक जादुई दरवाजे से उन्हें बंद कर दिया था। भाइयों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मैं अपने जाने से पहले उन पंखों को किसी ऐसे जानवर को सौंपना चाहता हूँ जिसके मन में कोई लालसा ना हो और वो उन पंखों की मदद से पूरी दुनिया के गरीब और जरूरतमंदों के काम आ सके। तुम्हें बाहरी दुनिया में जाकर किसी ऐसे जानवर को तलाश करना होगा और उन पंखों को वो ही हासिल कर सकता है जो अपना रूप बदल सकता हो। लेकिन विशाल राजा बाघ की ये बातें उसके छोटे भाई ने सुन ली। अच्छा, तो अब वह पंख वही हासिल कर सकता है जो अपना रूप बदल सकता हो। मुझे छोड़कर तुमने वो पंख किसी और को देने की सोची भी कैसे? तुम देखो अब मैं रूप बदल कर क्या करता हूँ। विशाल बाघ का छोटा भाई एक तांत्रिक के पास गया जिसने उसे ऐसी काली शक्ति दी जिससे अब वो अपना रूप बदल सकता था। वो कभी एक जवान बाघ मानव में बदल जाता तो कभी एक बूढ़े गोरिल्ला में। उसके अंदर अपने रूप बदलने की क्षमता आ चुकी थी। रात में वो एक बाघ मानव का रूप लेकर आया और अंदर सो रहे विशाल बाघ राजा के पेट में एक तलवार जोर से दे मारी। विशाल बाघ वहीं मर गया और फिर वो एक उल्लू बनकर उसी समुद्र तक पहुंचा। लेकिन यहाँ एक दरवाजा लगा हुआ था और पास में एक पहेली लिखी हुई थी। जो बनना चाहता है मेरा हकदार, उसे देना होगा इस पहेली का जवाब। शायद उस दिन विशाल बाघ ने रंगीन बाघों को इस पहेली के बारे में भी बताया होगा जिसे सुने बगैर ही मैं वहाँ से चला गया था, लेकिन फिर भी देखता हूँ। वहाँ लिखा हुआ था, किसी के धोखे में मैं नहीं आती, सिर्फ अपने ही नंबर से हूँ खुल पाती। मुझ बिन ना हो पाएगा तुम्हारा काम आसान, बोलो क्या है मेरा नाम। ये कैसी पहेली है? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस वो पंख चाहिए। बाघ अंदर जाने लगा लेकिन तभी उस दरवाजे से टकरा कर वो दूर नीचे जा गिरा। तभी उसने तुरंत उल्लू का रूप ले लिया
और वहाँ से तेजी से उड़ गया। और आज ये रंगीन बाघ भी रघु के जंगल के लिए जा रहे थे कि तभी विशाल बाघ के उस छोटे भाई ने उन्हें देख लिया और वो एक खरगोश बनकर उनके सामने आ गया। अरे अरे अरे, तुम यहाँ उल्टे रास्ते से कहाँ जा रहे हो? इस जंगल का रास्ता इस गुफा को पार करने के बाद खुलता है। तुम इस सुरंग से निकलते हुए सीधा जाकर रघु के जंगल में निकलोगे। रंगीन बाघ उसी सुरंग में चल दिए जो कि बहुत बड़ी थी। अभी रंगीन बाघ थोड़े ही दूर चले थे कि इधर से इस खरगोश ने एक बाघ मानव का रूप लेकर एक पत्थर सामने से लगा दिया। अब दो दिन हो गए थे। रघु भी उस दानव के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था। तभी वो जिन वहीं प्रकट हुआ और उसे सब बताया। तुम्हारी मदद के लिए ही वे रंगीन बाघ यहाँ आ रहे थे, लेकिन उस बाघ ने उन्हें उस सुरंग में बंद कर दिया। अब तुम बहुत सतर्क होकर वहीं जाओगे और उस सुरंग से उन्हें आजाद करोगे। रात में ही रघु सुरंग पर पहुँचा। तभी उसने देखा पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। तभी रघु ने तुरंत अपने कदम पीछे हटा लिए और वो एक पत्थर के पीछे जाकर छिप गया। जिन ने बताया था कि वो किसी भी रूप में हो सकता है, और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद रघु ने देखा वही चिड़िया नीचे उतरी और वही बाघ बनकर वो आगे चल दिया। तब रघु ने जाकर वो बड़ा पत्थर सुरंग के सामने से हटा दिया और रंगीन बूढ़े बाघों को आजाद कर दिया। रंगीन बाघों ने रघु को रूप बदलने की एक बड़ी शक्ति दी और वो एक चील बनकर समुद्र में बने उस गोल्डन हाउस तक पहुंचा। वहां उसने वही पहेली पढ़ी। किसी के धोखे में मैं नहीं आती, सिर्फ अपने ही नंबर से हूँ खुल पाती। मुझ भी ना हो पाएगा तुम्हारा काम आसान। बोलो अब क्या है मेरा नाम? अरे ये तो इस द्वार के चाबी की बात हो रही है। और रघु ने पहेली का सही जवाब दिया। तभी तुरंत वो दरवाजा खुल गया और उसके अंदर चमचमाते हुए दो जादुई पंख रखे हुए थे। तब रघु ने तुरंत जाकर उन पंखों को अपने शरीर पर रख लिया और उन्हें पहनते ही रघु एक विशाल रूप में बदल गया और वहाँ से उड़ने लगा। अब तीसरा दिन भी पूरा हो चुका था और दानव उन बच्चों को लेने आ चुका था, लेकिन तभी रघु ने अपना वही रूप ले लिया और उस दानव को अपनी ताकत से मार डाला। विशाल बाघ का लालची भाई अपने मकसद में नाकाम हो गया और रघु उन पंखों से अब दुनिया भर में घूमकर सबकी परेशानियां हल करता था।